गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ रेकमेंड करना चाहता था, रिक्वेस्ट करना चाहता था। प्लीज़ नए सिलेबस, नई एनसीईआरटी के हिसाब से अभी अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करिए, वेट करिए एनटीए की तरफ से कॉन्फर्मेशन का कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। मुझे पर्सनली यदि आप मेरे से पूछेंगे, ऐसा लगता है कि नई एनसीईआरटी के हिसाब से होगा, क्योंकि जब बुक में चैप्टर ही नहीं है तो किस बेसिस से वो पुराने वाले चैप्टर दिए जाएंगे। पहले तो फिर भी ये होता था कि सेक्शन बी में दे देंगे, हालांकि वो भी झूठ था, पर फिर भी एटलीस्ट किताब में चैप्टर थे। अब तो किताब में भी चैप्टर नहीं है। बहुत सारी जो किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अलावा भी चैप्टर हैं क्या सिलेबस में। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ओल्ड एनसीईआरटी में फिजिक्स में 28 चैप्टर थे, केमिस्ट्री में 30, बायो में 38, सब वो 28, 29, 32 है, यानी 16 चैप्टर का गैप है। इन 16 चैप्टर टिपिकली का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 घंटे की पढ़ाई है ना। ये 300 से 400 घंटे की पढ़ाई अभी इन वाले चैप्टर्स में मत लगाइए, एक बार एनटीए की तरफ से कॉन्फर्मेशन आ जाता है तब कर लीजिएगा। हमें यहाँ पे इस समय पे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, और लिमिटेड टाइम के अंदर ऐसा ना हो कि हम वो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जो अल्टीमेटली सिलेबस में ना हो, क्योंकि इस समय पे इंफॉर्मेशन नहीं है और हम उसके बारे में परेशान भी नहीं हो सकते, क्योंकि परेशान होंगे तो नुकसान हमारा ही है। हम ये डिसीजन लेके चले कि जब एनटीए अनाउंस करेगा उसके बाद ये 300 से 400 घंटे लगा लेंगे। और एनटीए से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, जब सिलेबस इतना बड़ा है, जब एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना हाई प्रेशर एग्जाम है, तो प्लीज डिले मत करिए, ठीक है गाइस। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक बार वापस रिमाइंड कर देना चाहता था, जल्दबाजी मत करिए, इन वाले चैप्टर्स को अभी के लिए भूल जाइए, 79 चैप्टर्स भी काफी होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको रेगुलरली प्रॉपर प्रैक्टिकल कोशिश करेंगे, गाइड, मोटिवेट, मेंटर करते रहे, ठीक है बच्चों।